हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर फोर। लेसन नंबर फोर आपका है स्वच्छता महान, यानी स्वच्छता ही महान कार्य है, यानी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। तो आइए रीड करते हैं इसे। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। चारों ओर गंदगी फैली कि हमारे चारों तरफ जो गंदगी फैली हुई है, कूड़े करकट का अंबार, और जो कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है, यह तो भारी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। कि हमारे जो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो कूड़े करकट के ढेर लगी हुई गंदगी है, वो तो हमारी क्या है, बाहरी गंदगी है, इसका तो हम उपचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उपचार होता है समाधान या चिकित्सा, ट्रीटमेंट। सेकंड पैराग्राफ आपका है, इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूरन, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। इसी तरह है क्या है, हमारे मन में भी बहुत गंदे विचार आते हैं, जैसे किसी के साथ धोखा करना, जलन से पूरन यानी ईर्ष्या करना, घृणा करना, नफरत करना किसी से, यह क्या है, हमारे अंदर की बीमारी है, अंदर की गंदगी है, इसको भी क्या है, हमको हमें दूर करना है। स्वच्छता चारों ओर जब होगी, तभी रहोगे तुम निरोगी, हष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। स्वच्छता चारों ओर जब होगी, तभी रहोगे तुम निरोगी। निरोगी होता है बिना रोग के, निरोगी बिना रोग के, जिसके कोई भी रोग नहीं हो। कि जब हमारे चारों ओर स्वच्छता होगी, सफाई होगी, कि जब हमारे चारों ओर स्वच्छता का मतलब है सफाई, कि जब हमारे चारों ओर सफाई होगी तो क्या है, हम निरोगी, तो हम निरोगी रहेंगे, हमें कोई रोग नहीं होगा। हष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। हष्ट पुष्ट का मतलब है हम स्वस्थ रहेंगे, हम सब लोग क्या रहेंगे, फिर स्वस्थ रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। सुंदर यानी बहुत ही अच्छी, शिव, शिव यानी भगवान की, फिर क्या है, हमें ऐसा लगेगा कि यह भगवान की बहुत ही अच्छी रचना है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, कि जैसे ही गंदगी दूर होगी तो क्या है, हमारी संसार यानी दुनिया में क्या है, हम खुशियां ही खुशियां फैला सकेंगे, खुशियों का संसार बसेगा, मतलब क्या है, हमारी दुनिया में भी खुशियां आ जाएगी, घर घर में खुशियां छा जाएगी। बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध हो रहेगा, कि हमारी जो बस्ती है, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में हम रहते हैं, वह क्या है, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर लगने लग जाएगी। वायु यानी पवन, हवा, देह यानी शरीर, कि हमारी जो हवा है, जो शरीर है और मन है, वो सब क्या है, शुद्ध हो जाएंगे। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, कि हम सब मिलकर क्या है, फिर स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान यानी सुंदर गाना गाएंगे। सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान, और सब क्या है, मिलकर एक नारा बोलो, क्या बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान, यानी सफाई ही महान है, सफाई ही महान है, यानी हमें क्या है, हमारे घर, अंदर, बाहर, सभी जगह पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यही आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है।